ये थोड़ा और ये जो वहां पे जाएगा और यहाँ पे जो सुन दे ये बराबर आपकी नोम दोनों की बराबर बराबर राइट। और सर बिंदु पे और बोला कि उनको लोग जो लुक देंगे सर तो जूम ऑन करना ओके तो साइलेंट रोलिंग एंड ये पूछा कि अरे हरि ओम हरि ओम अब कोई काम ढंग से कर सकता आधा कहेगा हरि ओम हरि ओम अबे कदे बेटा ये पूछ किस खुशी में उगाए तूने बाबूजी आपने कहा था ना जिसकी मूछ उसकी पूछ तो हमने कपी भैया के ड्रामा कंपनी से मूछ मंगा लगा ली अब हमारी भी मूछ है और पूछ हरियो 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 ये सब लोग आ गए बहुत करिए जूम पर दिखा दे हाँ तो मयूर के दिखते रहिए मयूर दिखते रहिए तो आइए जूम शुरिया को देखा कोयल को देखा सबके मुंह खुले के खुले रह गए क्या हुआ बेटा पहले सबके मुंह खुले क्यों रह गए बाबूजी अभी पूछ पर चौंकने का टाइम नहीं है नहीं नहीं बेटा मैंने तीन चार डायलॉग लिए थे एक्शन क्या हुआ बेटा तुम्हारे सबके मुंह खुले के खुले क्यों रह गए बेटा पूछ इसने उड़ा रखी है मैंने नहीं मुझे देख के क्यों चौंक रहे हो बेटा बाबूजी अभी पूंछ पर चौंकने का टाइम नहीं है क्या बोल रहे हो बेटा लगता है मेरी क्लासरूम के पार्ट को तुम सबने कुछ ज्यादा इज्जत ले लिया है मूंछ पूंछ मूंछ क्या बोल रहे हो बाबूजी आप अपनी मूंछ देखिए गधे की पूंछ को भूल जाइए है उनको भी देखा हाँ देखिए बाबूजी सब बोल रहे हरिओम बाबूजी थोड़ी सी मूछ कटी है
मैं इस तरफ से भी थोड़ी सी काट देता हूँ, फिर बराबर हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कट 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 कट। चची। हाँ बोलो ना। हाँ। देख बेटा, मेरी तो तेरे हाथ में बेटा। ये सामने आया। So, आज के सीक्वेंस के बारे में जानना चाहेंगे, बड़ा ही रोमांचक सीक्वेंस लग रहा है, उसके बारे में डिटेल जानना चाहेंगे। तो हमारा इस हफ्ते का मुहावरा है, जिसकी मूंछ ऊंची उसकी पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची, मूंछ ऊंची तो पूंछ ऊंची, दैट मींस कि जिसकी मूंछें होती हैं उसकी पूंछ बहुत होती है दुनिया में। तो हमारे बाबूजी ने ये कहा है, लेकिन बाबूजी जी के साथ थोड़ी सी हमारे गधा प्रसाद की वजह से थोड़ी दुर्घटना हो गई और उनकी इतनी बिल्कुल थोड़ी सी मूंछ कट गई। सो अब हम सब परेशान हो गए, और क्योंकि वो अपनी मूंछ को बहुत प्यार करते हैं, एंड उन्होंने बोला भी कि मेरी मूंछ मेरी आन बान, मेरी शान और मेरी जान है। तो अब जैसे कि हम बेचारे बच्चे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारे बाबूजी रो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है गधे पे, तो हम हमारे घर के जो शेर हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जैसे कि चिड़िया घर है, तो सॉल्यूशन आप सोच ही सकते हैं कैसा निकलेगा। नहीं, अभी तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, हम बस कोशिश कर रहे हैं कि वो छोटी सी जो मूंछ कटी है उसका क्या कर सकते हैं, वही चीज करने की कोशिश करें। तो अब वो चीज कैसे निकल के आती है वो तो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। घर रेनोवेशन हुआ है और घर बहुत अच्छा लग रहा है। अब पार्टी है तो सब नाचेंगे गाएंगे, और बाबूजी का दूसरा टेंशन भी यही है कि पार्टी मेहमान आएंगे, कहेंगे छोटी मूंछ है तो क्या करेंगे। सो अभी फिलहाल तो वो सब निकल गया दिमाग से, अभी कंसंट्रेशन यही है कि बाबूजी की मूंछ का क्या करें। मेरे मुँह से क्या मेरी तारीफ करूँ। आई लाइक माई आईज, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत आई जस्ट लाइक माई आईज, मतलब अच्छी हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। चिड़ियाघर का नाम ही चिड़ियाघर है, तो आप सोच सकते हैं कि एक एक जितने भी हमारे अंदर के जितने भी चिड़ियाघर के जानवर हैं वो क्या क्या हर हफ्ते कुछ ना कुछ, हर दिन कोई ना कोई हरकतें हैं जो बाबूजी को संभालनी पड़ती है। सो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं स्टोरी में भी हैं, और आई एम श्योर ये देखकर लोगों को बहुत मजा आने वाला है। यस, थैंक यू वेरी मच चिड़ियाघर देखने के लिए, और ऐसी चिड़ियाघर देखते रहिए और अपने व्यूज़ बताते रहिए।